नीचे सबको चलिए एक चलिए, ऊपर देवाशीष जी से, देवाशीष जी से भी पूछेंगे कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। एक बार राधेश्याम भारती जी, आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको, ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, कांग्रेस का अपनी बात है, बीजेपी का अपना आरोप है, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ये कहना कि कांग्रेस को जोड़ने के लिए ये किया जा रहा है, ये मेरी समझ में थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप देखिए, विनोबा भावे ने भी यात्रा की थी भूदान आंदोलन के दौरान, गांधी जी ने भी दांडी यात्रा की थी अवज्ञा आंदोलन के तहत, और नमक कानून जितने बनाए गए थे उनका विरोध करते हुए। तो राष्ट्रीय मुद्दों के लिए, जैसा कि अभी बहन प्रतिष्ठा जी कह रही थी कि राष्ट्रीय मुद्दों को जोड़ करके और कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसमें आपत्ति कहाँ है? कोई भी राष्ट्र बिना उसके आवाम की जो समस्याएं हैं, जो उसकी बर्निंग पॉइंट्स प्रॉब्लम्स जो हैं, यदि उनके ऊपर जनमत को साथ नहीं लिया जाए, तो फिर आप बताइए, मैं सोचता हूँ कि क्या कोई राजनीतिक संचेतना रह जाएगी बाकी? तो इस यात्रा को ऐसे भी देखा जा सकता है कि राहुल गांधी जैसे 12 राज्यों को जैसे वो कवर करेंगे, जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े नगरों में करेंगे, तो केवल क्या वो यही अपील पूरी करेंगे कि कांग्रेस को हमें जोड़ना है? वो राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करेंगे, तो मेरी समझ में इस तरह की यदि गतिविधि की जा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसमें प्रथम दृष्टया ये हम मान लें कि साहब कांग्रेस को जोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, राष्ट्र बहुत बड़ा है, राष्ट्र के लिए आवाज उठाना, उसके जनमत जनता के लिए जो समस्याएं हैं, जैसे अभी भाई साहब ने जिक्र किया कि युवाओं की अपनी समस्याएं, प्रतिष्ठा जी ने, युवाओं की समस्याएं हैं, बेरोजगारी भयंकर रूप से है, महंगाई कितनी भारी जो है वो सामने है, तो राष्ट्र को हम इससे अलग करके कैसे देख सकते, ये एक बात है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी वो कितना सफल होते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन यात्रा जो शुरू की है वो कदाचित उसका अर्थ यही नहीं है कि वो कांग्रेस को जोड़ने के लिए उन्होंने तो ऐसा किया है। जी 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 बिल्कुल। उत्कर्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भारती जी, मुझे संक्षेप में बताइए, आपको लगता है कि साल 2024 में कांग्रेस को इस यात्रा का फायदा मिलेगा कहीं चुनाव में? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो देश की हालत है, जैसा प्रतिष्ठा जी भी कह रही हैं, और आम आदमी पार्टी के भाई ये उत्कर्ष जी भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन का जो मॉडल दिया और अमेरिका ने उसकी तारीफ की, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी हो गई? मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के देश में जो मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाया जा रहा है कि ये फ्री वाला जो है ये अर्थव्यवस्था को लच्चर बना देगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का निरंतर इस तरह का प्रयास, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा कि जो जनहित के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, आप देखिए गुजरात में क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल गए, उसमें भाजपा अपने आप को बहुत बड़ी अपने सामने चुनौती उसको जो है मान रही है, पूरा परिप्रेक्ष्य बदला हुआ है गुजरात का। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि राहुल गांधी भी यदि इस तरह से इस पदयात्रा के माध्यम से अपनी पार्टी की ताकत और कद बढ़ाते हैं, दूसरी पार्टियां भी बढ़ा रही है, तो इसमें देश कहाँ से टूट रहा है? इससे तो देश जुड़ेगा, उल्टा लोकतंत्र शक्तिशाली होगा, मेरा ये मानना। चलिए।